सोलन की पहाड़ियों में आज भी एक ऐसा विद्यालय है जहां पर पढ़ाई तो होती है, पर स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि अध्यापक भी अपना सामान उठाए घर के लिए भागते हैं, इससे पहले कि स्कूल का मुख्य द्वार बंद हो और उनसे मुलाकात हो जाए। चलिए चलिए जल्दी करिए, छुट्टी की घंटी बज गई है। अरे बैग तो पैक कर लूं। अरे गोली मारो बैग को शर्मा साहब, फटाफट चलो। अरे गुप्ता जी दो मिनट रुको तो यार। शाम के 4 बज रहे थे और हर रोज की तरह स्कूल में मौजूद हर एक शख्स वहां से जल्द निकलना चाहता था, इसलिए नहीं कि उन्हें घर जाने की जल्दी थी बल्कि इसलिए कि स्कूल के खाली होते ही वहां पर कुछ ऐसा होता था जिसका सामना कोई भी नहीं करना चाहता था। अगर वहां आसपास कोई और विद्यालय होता तो शायद ही स्कूल पे कोई दाखिला लेता या पढ़ाता। अरे कमाल, सबके सब कहां चले गए? हेमंत ने आज ही स्कूल में अध्यापक की नौकरी ज्वाइन करी थी और छुट्टी की घंटी बजने के वक्त टॉयलेट में था। उसे मुश्किल से 15 ही मिनट हुए होंगे, पर बस उतनी सी ही देर में पूरे स्कूल में कब्रिस्तान सा वीराना छा चुका था। समझ में नहीं आ रहा ये अचानक से पूरा का पूरा स्कूल खाली कैसे हो गया। अरे सर जी, आप अभी भी यही हैं? जल्दी चलिए, स्कूल का गेट बंद करके मुझे भी घर निकलना है। सामने से आते गार्ड ने रुककर हेमंत से कहा, यहाँ सबके सब इतनी जल्दी में क्यों रहते? स्कूल खाली, मैदान खाली, स्टाफ रूम खाली, और अब तुम्हें भी भागने की जल्दी पड़ी है। नहीं वो कैसा? हाँ मैंने आज ही ज्वाइन किया। गार्ड ने उसको एक नजर देखा और फिर कहा, समझ जाओगे साहब, पहला दिन है ना, सूरज डूबने वाला है, जल्दी कीजिए। गार्ड ने हेमंत से कहा और फटाफट स्टाफ रूम के दरवाजे पर ताला लगाने लगा और फिर हेमंत को साथ लेकर स्कूल के मेन गेट से बाहर निकल गया। वो स्कूल के पीछे वाला कमरा देख रहे हो सर? आप नए हो इसलिए बता रहा हूं, वह उसके आसपास कोई नहीं जाता। क्यों? धीरे धीरे सब समझ जाओगे, अभी चलता हूं सब, अब कल मिलूंगा। अरे भाई अपना नाम तो बताते जाओ। हेमंत कुछ देर वहीं खड़े मेन गेट के बाहर से स्कूल को देखता रहा। बच्चों के बिना स्कूल कितने डरावने लगते हैं। चल भाई हेमंत अब घर निकलते हैं, अंधेरा हो गया तो पहाड़ियों के कच्चे रास्तों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। अरे भैया घर आ गए आप, फिर कैसा रहा पहला दिन आपका? अच्छा था। तू एक काम कर, एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दे फटाफट। हाथ मुंह धो लो, मैं चाय के साथ कुछ खाने को भी लेके आता हूँ। हेमंत का भाई राजू उसके हाथों में तौलिया थमाते हुए रसोई की ओर चला गया। हेमंत भी घर के बाहर अपने जूते उतार कर हाथ मुंह धो ही रहा था कि सामने से साइकिल पर सवार गांव के सरपंच वहां से गुजरे। राम राम सरपंच जी। अरे हेमंत बेटा, तुम शहर से कब लौटे? परसों ही लौटा हूं, शहर के भाग दौड़ से बहुत थक गया था तो यही गांव के स्कूल में टीचर की नौकरी ले ली। वो पहाड़ी के पीछे वाला स्कूल? जी। अच्छा किया जो गांव वापस आ गए। अच्छा सुनो बेटा, यहाँ गांव में माहौल कुछ ठीक नहीं है, तो तुम और राजू रात को दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद करके सोना। तुम्हें यहाँ से गए हुए 15 साल बीत गए बेटे, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। बेटे तुम अंदर जाओ, खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लो और रात को घर से बाहर मत निकलना। मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ तुमसे। दूर बजती घंटी की आवाज़ के बीच सरपंच हवा से बातें करते हुए अपनी साइकिल दौड़ाते वहाँ से निकल गया, जैसे कि कोई
आफत आई हो। अरे कम से कम चाय तो पीते जाइए, खवाल है यहाँ जिसको देखो जल्दी में रहता है। और ये विद्यालय की घंटी इस वक्त? दरवाजे खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर लेना बेटा, मैं बाद में मिलता हूँ। भैया चाय तैयार है। हाँ आता हूँ। रात को खाने के बाद हिम्मत ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए और सोने चला गया। पूरे दिन का थका हुआ था तो रात को उसे लेटते ही नींद आ गई थी। भैया, अरे ओ भैया, अरे भैया उठो, सुबह हो गई है, नहा के तैयार हो जाओ वरना ये विद्यालय के लिए देर हो जाएगी। अरे यार सोने देना यार। अरे भैया आपके चक्कर में मैं भी काम के लिए लेट हो जाऊंगा, आज मेरा पहला दिन है, आप जल्दी करो। अरे उठ रहा हूँ यार, कभी कभी लगता है कि तू मेरा भाई कम लुगाई ज्यादा है। वक्त रहते शादी कर लेते तो भाभी हम दोनों को नाश्ता बना के खिलाती। राजू की बात सुनकर हेमंत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। जिंदगी में जो चाहो वैसा हमेशा होता कहा है, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। राजू की बात सुनकर शायद उसे किसी की याद आ गई थी। जहां भी रहो खुश रहो। थोड़ी देर सोच में डूबे रहने के बाद वो बिस्तर से उठा और नहाने के लिए चला गया। दोनों भाइयों ने थोड़ा बहुत कुछ खा के अपना अपना डब्बा पैक किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अरे सुनो रॉकेट सिंह, साइकिल जरा आराम से चलाना। शाम को मिलते हैं भैया। राजू ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए देखा। हेमंत की दुनिया उसके भाई पे शुरू होके उसी पर खत्म होती थी। बचपन में उसके माँ बाबा के गुजरने के बाद उसने ही अकेले बड़ी मुश्किलों से अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा किया था। मेहनत मजदूरी करके खुद भी पढ़ाई की और आज खुद दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा था। राजू ने सोलन में ही बने एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी ले ली थी और दोनों भाई खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। आज स्कूल का दूसरा दिन था और हेमंत वक्त से थोड़ा पहले ही पहुंच गया था। स्कूल में अभी बस कुछ ही लोग थे और कुछ बच्चे अंदर बने मैदान में अपने अपने बस्ते जमीन पर फेंक भागा दौड़ी में लगे हुए थे। गुड मॉर्निंग सर जी। अरे गुड मॉर्निंग, तुमने अपना नाम नहीं बताया था कल। आप मुझे बाला बुला सकते हैं साहब। बाला बढ़िया नाम है, कहीं वो आयुष्मान वाली पिक्चर तो नहीं देख ली थी तुमने? अरे क्या साहब, मेरे सर पर तो चकाचक बाल है साहब असली, ये देखो। बाला अपने बालों पर उंगलियां फेरते हुए बोला। अच्छा साहब अभी चलता हूँ, आपकी भी क्लास का वक्त हो गया है और मुझे भी कुछ काम निपटाना है। ठीक है। बाला ने हेमंत को सलाम किया और वहाँ से चला गया। हेमंत भी घंटी की आवाज़ सुन के अपने क्लास के लिए चल पड़ा। एक घंटे की क्लास लेने के बाद हेमंत वहां से निकलकर स्टाफ रूम पहुंचा। क्या बात कर रहे हो शर्मा जी? हाँ भाई, कल पूरे रास्ते डरते डरते घर पहुंचा हूँ। पूरा टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। अच्छा किया ना जो मेरे कहने पर बैग यहीं छोड़ दिया, कम से कम सही सलामत घर तो पहुंच गए। और गुप्ता जी क्या बातें चल रही हैं? आप कहाँ चले गए थे कल छुट्टी के समय? घर जाते समय कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई? वो तो मैं टॉयलेट चला गया था, अप्रिय घटना क्यों होगी? शर्मा जी और गुप्ता जी ने एक दूसरे को देखा और गुप्ता जी ने शर्मा जी से इशारा करते हुए उन्हें हेमंत को कुछ बताने को कहा। यहाँ छुट्टी की घंटी बजने के बाद कोई नहीं रुकता, आप भी मत रुकना, घंटी बजते ही फटाफट निकल लेना, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। ऐसा क्यों? अरे पूरी बात बताइए ना शर्मा जी, तभी तो समझेंगे। अरे बोलिए ना,
हेमंत ने हैरानी से उन दोनों को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों ही उससे कुछ कहना चाहते थे पर हिचकिचा रहे थे। हम बोलेंगे तो आप मानोगे? अरे बात तो बताइए शर्मा जी, हुआ क्या है? आज से कई साल पहले यहाँ इसी जगह पर एक और विद्यालय हुआ करता था। कहते हैं आग में पूरे का पूरा विद्यालय जलकर खाक हो गया। सुना है कि आग लगने के समय टॉयलेट में कुछ छोटे बच्चे भी फंस गए थे, बेचारे वहीं झुलस कर मर गए। इसलिए यहाँ छुट्टी की घंटी बजने के बाद कोई नहीं रुकता। क्यों? कहते हैं कि जो भी यहाँ पर रुकता है वो बच्चे उसको चिपक जाते हैं। क्या शर्मा जी, आप भी एक अध्यापक हो के आप ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? सिर्फ विश्वास ही नहीं, मान्यता है यहाँ की। शाम ढलने के बाद इस विद्यालय के आसपास भी कोई नहीं फटकता, यहाँ तक भी जानवर भी इस जगह से दूर भागते हैं। अच्छा, आपने कभी उन बच्चों को देखा है? देखा तो नहीं है पर एक दो बार महसूस जरूर किया है। सब कही सुनी बातें हैं गुप्ता जी, ये भूत प्रेत पिशाच सब मनगढ़ंत कहानियों के सिवा कुछ नहीं। आप मानो या ना मानो हेमंत जी, पर आसपास के किसी भी गांव में आज भी शाम ढलने के बाद कोई भी अपने घर की खिड़की दरवाजे नहीं खोलता। कहते हैं आज भी सूरज ढलने के बाद वो सारे के सारे स्कूल की चार दीवारी छोड़ बाहर खेलने निकलते हैं। हेमंत उनकी बातें सुन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ऐसी बातों पर उससे कोई विश्वास नहीं था, फिर लोगों का क्या था, उन्हें तो आदत होती है फालतू की बातें करने की। चलिए मैं आप दोनों से बाद में मिलता हूँ। नए नए शहर से आए। हेमंत अपनी कुर्सी से उठा और अगली क्लास लेने स्टाफ रूम से बाहर निकल गया। इनको बताने का कोई फायदा नहीं। उस दिन अपनी क्लास खत्म करके हेमंत हाफ डे लेकर स्कूल से जल्दी निकल गया। अभी 3-4 दिन पहले ही गांव के अपने घर में शिफ्ट हुआ था तो घर का काफी सारा सामान लेना अभी बाकी था, जैसे कि रसोई के लिए कुछ बर्तन, गुसल खाने के लिए मग्गे और बाल्टियाँ, कंबल, चादर और ऐसा छोटा मोटा बहुत सारा सामान चाहिए था मकान को वापस से घर में तब्दील करने के लिए। कुछ नहीं तो 2-4 घंटे तो लगने ही थे उसे ये सब खरीदारी करने में। सामान लेकर वो जब घर पहुंचा तो घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। राजू अभी भी काम से लौटा नहीं था तो हेमंत ने अपने लिए चाय बनाई और बैठकर रात के खाने के लिए सब्जियां काटने लगा। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। थोड़ी देर पहले जो आसमान साफ दिखाई दे रहा था उसी आसमान को एकाएक बादलों ने अपने आगोश में ले लिया था। लगता था आज तेज बारिश होगी। हेमंत ने अपने भाई राजू को फोन लगाया। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी। हेमंत ने एक दो बार और नंबर डायल किया, फिर उसे लगा शायद राजू के फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। उधर राजू की फैक्ट्री में भी छुट्टी की घंटी बज चुकी थी और सारे मजदूर अपना सामान लेकर अपनी अपनी साइकिलों की तरफ बढ़ने लगे। राजू भैया, आप नहीं चलोगे? नहीं, मैनेजर साहब से थोड़ा काम है। तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। भैया मौसम खराब हो रहा है, लगता है बारिश और बढ़ेगी, आप जल्दी निकल जाना। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। राजू को मैनेजर से फैक्ट्री में लगे मशीनों के मेंटेनेंस के बारे में कुछ बात करनी थी। बातों बातों में एक घंटा कब निकल गया उसे मालूम ही नहीं चला। ऊपर से उसको इल्म भी नहीं था कि उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। मैनेजर से बात करके वो अपनी साइकिल पर बैठा और घर के लिए निकल पड़ा। मौसम वाकई में बहुत ख़राब हो गया था। तेज बारिश और हवा के कारण साइकिल चलाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अरे पूरा भीग गया यार, भैया को फोन कर लेता हूँ। राजू ने जेब से मोबाइल निकाला तब जाके मालूम पड़ा कि मोबाइल तो बंद पड़ा था। अरे यार, काम के चक्कर में चार्ज पर लगाना ही भूल गया।
उधर भैया बेचारे परेशान हो रहे होंगे। चल रे दन्नो, लगता है आज हम दोनों की किस्मत में इस आंधी और तूफान से लड़ना लिखा है। अपनी साइकिल पर तेज पेडल मारता हुआ राजू किसी तरह तेज चलती हवाओं से मुकाबला करने की कोशिश करने लगा। आज घर पहुंचने में काफी देर होने वाली थी। पहाड़ी रास्तों पर जब मौसम ठीक रहे तब भी चढ़ाई पर दम फूलने लगता है। यहाँ तो बारिश और तूफान ने पूरे रास्ते में कोहराम मचा रखा था। ऊपर से सीधी चढ़ाई में इस तेज हवा में साइकिल चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बहरहाल राजू किसी तरह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, पर थोड़ी देर में वो थकने लगा। अभी वो साइकिल चला ही रहा था कि उसके ठीक सामने सड़क पर कुछ बच्चे खड़े थे। इतनी बारिश में ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ए बच्चों सुनो। राजू को लगा बच्चे बारिश में खेलते खेलते इस आंधी तूफान में कहीं रास्ता ना भटक गए। वो साइकिल लेके उनके पीछे पीछे जाने लगा। वो बच्चे भागते भागते एक गेट के अंदर चले गए। राजू भी उनके पीछे पीछे गया। अरे ये तो गांव का विद्यालय है। शाम ढल चुकी थी और विद्यालय पूरा अंधेरे में सराबोर था। एक परिंदा तक नहीं था वहाँ। फिर इतनी रात में इस वीराने अपने ये बच्चे। अरे बच्चों तुम लोग इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? राजू के बोलते ही उनमें से एक बच्चे ने उसकी ओर देखा और फिर सब के सब स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भाग गए। राजू भी उनके पीछे पीछे अपनी साइकिल पर स्कूल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। हवा और बारिश इतनी तेज थी कि उसको कुछ भी अब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह स्कूल के बिल्डिंग तक पहुँच कर राजू ने अपनी साइकिल का स्टैंड लगाया और बिल्डिंग के अंदर घुस के खड़ा हो गया। थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ, वैसे भी इस मौसम में साइकिल चलाऊंगा तो घर की जगह किसी खाई में मिलूंगा। कमाल है, वो बच्चे कहाँ चले गए? राजू ने अपने इर्द गिर्द देखा तो वो बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आवाज तो उस तरफ से आ रही है। राजू ने पास में खड़ी की हुई अपनी साइकिल पर टंगे झोले में से अपनी टॉर्च निकाली। दो तीन बार हाथ से टॉर्च को ठोकने के बाद जाकर टॉर्च ने आखिरकार रोशनी की। वो उन आवाजों के पीछे पीछे चलने लगा। छोटे बच्चे थे, मुश्किल से 4-5 साल के होंगे। ऐसी भयानक रात में जहाँ इतनी तेज आंधी तूफान आया हो, क्या ऐसे में उन्हें आप अकेला छोड़ देते? राजू को भी उनकी फिक्र थी। गांव के विद्यालय के उन अंधेरे गलियारों में से गुजरते राजू को बच्चों की किलकारियां साफ सुनाई दे रही थी। आवाज़ से लगता था कि बिल्डिंग के पीछे से कहीं से आ रही थी। बच्चों तुम लोग वहाँ हो क्या? वो चलते चलते स्कूल के बिल्डिंग के पीछे बने एक कमरे के पास पहुँच गए। कमरे के अंदर से रोशनी आ रही थी, लगता था कि कोई अंदर है। अरे कोई है क्या अंदर? राजू ने हल्का सा हाथों से दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। पर ये क्या, अंदर तो पूरा अंधेरा था। राजू ने टॉर्च की रोशनी से पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। कौन है वहां? राजू के टॉर्च की रोशनी जब कमरे के एक कोने पर पड़ी तो उसने देखा कि वही छोटे बच्चे उसे देख रहे थे। पर क्या सच में बच्चे ही थे वो? दुबला पतला राख के रंग जैसा शरीर, जिसकी हड्डियां नजर आ रही थी। अमावस की रात जैसी काली आंखों पर टॉर्च की रोशनी पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि मानो किसी की आंखों में नहीं बल्कि नर्क की गहराइयों में झांक रहा हो कोई। पूरे शरीर की त्वचा पर जगह जगह घाव के निशान थे और कई जगह पे तो जख्म ऐसे थे कि जिस्म की हड्डी बाहर लटक रही थी। और थोड़ी देर पहले की किलकारियां अब एक भयावह आवाज में तब्दील हो चुकी थी। ऐसी आवाज तो किसी भी इंसान की रूह को अंदर तक बहना थी। वो सिहरन जो राजू के पैरों के अंगूठे से उठी थी वो उसके रीढ़ की हड्डी से होते हुए उसके माथे तक पहुंच चुकी थी। रोम रोम ऐसा सिहर उठा था जैसे कोई बर्फीली हवा शरीर को चीरते हुए निकल गई। क्या हुआ अंकल? आओ ना,
खेलोगे हमारे साथ? वो जो भी थे बच्चों जैसे दिखते जरूर थे, लेकिन उनमें ना कोई मासूमियत थी और ना ही कोई बचपना। राजू उल्टे पैर भागा। वो समझ चुका था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। राजू दौड़ते दौड़ते अपनी साइकिल तक पहुंचा और अपने घर की तरफ जितना तेजी से हो सके साइकिल दौड़ाने लगा। स्कूल के गेट से बाहर निकल के कच्चे रास्तों पर दौड़ती साइकिल हवा से बातें करने लगी थी। जब जान पर बनी हो तब आखिर कौन सा तूफान इंसान को रोक पाया है भला? अंकल, उस आवाज ने राजू की सांसों को रोक दिया था। आवाज साइकिल की पिछली सीट से आई थी। राजू ने मुड़कर देखा तो उनमें से एक बच्चा उसकी पिछली सीट पर बैठा हुआ। राजू अपनी साइकिल वहीं छोड़ वहां से भागा, लेकिन अजीब सी बात थी, वो अपनी पूरी ताकत से भाग तो रहा था पर ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज उसके पीठ पर वजन डाले हुई थी। अंकल, इस बार आवाज उसके दाएं कान में आई। खेलोगे हमारे? डरते डरते उसने अपनी आंखें हल्की सी दाई ओर घुमाई तो अपनी पीठ पर वो उस बच्चे को टांगे रात के अंधेरों में दौड़ता चला जा रहा था। रात भर हेमंत अपने भाई का इंतजार करता रहा। परेशान तो वो था पर उसे लगा कि रात को इतनी तेज आंधी तूफान की वजह से शायद वो फैक्ट्री में ही रुक गया होगा। वो नहा धोकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गया। पूरा दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद शाम को जब विद्यालय की छुट्टी हुई तो वो वहां से राजू की फैक्ट्री की तरफ चला गया। अरे भाई जरा सुनना। सामने खड़े एक फैक्ट्री कर्मचारी को आवाज दी उसने। जी साहब। मैं राजू का बड़ा भाई हूँ, आप जरा उसे बुला देंगे? कल रात से वो घर नहीं आया। घर नहीं आया? कल शाम को उनको मैनेजर साहब से कुछ काम था, शायद उन्हें कुछ पता हो। आप वहाँ उस कैबिन में चले जाइए। शुक्रिया। मैनेजर के कमरे में पहुंचकर जब हेमंत ने उनसे पूछा तब उसे मालूम पड़ा कि राजू तो कल शाम ही फैक्ट्री से निकल गया था। अब हेमंत सच में तनाव में आ गया था। राजू गया तो गया कहाँ? उसने फैक्ट्री में सबसे पूछताछ की लेकिन किसी को भी राजू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसको लगा एक बार घर चला जाए, क्या पता राजू घर आ गया हो। लेकिन वो घर पर भी नहीं था। परेशान हेमंत गांव के मुखिया के घर पहुंचा। सरपंच चाचा, सरपंच चाचा। अरे हेमंत, क्या हुआ, इतने घबराए हुए थे क्यों? चाचा, चाचा राजू कल रात से घर नहीं आया है। तुमने कारखाने में पता किया? सब जगह ढूंढ लिया चाचा, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आप मेरे साथ चलो, उसे ढूंढते हैं। सूरज ढल गया है बेटे, रुको मैं बाकी लोगों को इकट्ठा करता हूं, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर में हाथ में मशाले लिए गांव वाले सरपंच और हेमंत के साथ राजू को ढूंढने निकल पड़े। अंधेरा होने के बाद वैसे तो आसपास गांव में कोई खिड़की भी नहीं खोलता पर आज सवाल किसी की जान का था। राजू, राजू, राजू। शुक्र था कि आज मौसम साफ था, बस हल्की सी हवा चल रही थी और क्योंकि चांद अपने पूरे उफान पर था तो अंधेरा इतना परेशान नहीं कर रहा था। तकरीबन 2-3 घंटे तक यहां वहां ढूंढने के बाद कुछ गांव वालों को राजू की साइकिल मिली। कीचड़ से सराबोर उस साइकिल के पहिए टेढ़े हो चुके थे, टूटी हुई साइकिल की चेन और सीट बगल में ही पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें साइकिल से उखाड़ फेंका हो। सरपंच जी, जल्दी आइए, हमें यहाँ कुछ मिला है। परेशान हेमंत और सरपंच जब भागते भागते वहां पहुंचे तो साइकिल को देखकर हेमंत की आवाज जैसे उसके हलक में ही अटक गई। ये तो राजू की साइकिल है। साइकिल को उस हालत में देखकर हेमंत को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ, कहीं उसके भाई को कुछ हो तो नहीं गया था। हेमंत और बाकी के
गांव वालों ने मिलकर पूरी रात उस जगह के आसपास की पहाड़ी और जंगलों की खाक छान मारी, लेकिन राजू का कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐसा लगता था मानो कुदरत उसको निगल गई थी। सुबह सुबह हेमंत सरपंच और कुछ गांव वालों को साथ लेकर थाने में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया, लेकिन पुलिस से उसको उम्मीद कभी थी। उन्होंने बस राजू की एक फोटो अपने पास रखकर उसको इतना कहकर वापस भेज दिया था कि कुछ पता चलेगा तो उसे बता देंगे। उस रात उसके भाई के साथ क्या हुआ था और वो कहां था, इस राज को उसे खुद ही सुलझाना था। उस दिन हेमंत ने विद्यालय से छुट्टी ले ली और पूरा दिन परेशान यहां वहां भटकता रहा। निराश और थक हार कर जब शाम के वक्त अपने घर की तरफ जा रहा था तो पीछे से उसको किसी ने आवाज दी, सर जी। हेमंत पीछे मुड़ा तो वहां बाला खड़ा था। अरे बाला, तुम यहां क्या कर रहे हो? आज दोपहर ही पता चला कि आपके भाई लापता है। हेमंत बाला से कुछ कहना तो चाहता था पर उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। फिर भी किसी तरह उसने जवाब दिया, सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं भी नहीं मिला है वो। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब आज सुबह सफाई वाले को विद्यालय के पीछे बने कमरे के पास ये मिला। बाला ने हेमंत को एक आईडी कार्ड दिखाया। अरे ये तो राजू का आईडी कार्ड है। हाँ सब, मैंने जब आसपास पता किया तो पता चला कि ये आपके भाई का आईडी कार्ड है। पर वो वहां पर क्या कर रहा था? सब आज रात आप घर वापस मत जाओ, आप मेरे घर चलो। क्यों? आप चलो मेरे साथ, मैं आपको सब बताता हूं। बाला हेमंत को अपने साथ अपने घर ले गया। कमरे में रखे अपनी चारपाई पर उसको बिठाकर बाला रसोई से एक गिलास पानी ले आया। हेमंत ने वो गिलास लेकर पानी पिया और उसको जमीन पर रख दिया। साहब, उस दिन आप पूछ रहे थे ना कि यहां आसपास सारे लोग सूरज ढलने का समय होते ही घर की तरफ क्यों दौड़ते हैं। साहब, बचपन में नानी ने बताया था, यहां आसपास के इलाकों में मसान का साया है। मसान? जी साहब, छोटे बच्चों की प्रेत आत्माएं जो समय से पहले इस दुनिया को छोड़ गए या उन्हें मार दिया गया हो। कहते हैं जब किसी 8 साल से छोटे बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाए और सही से उनका क्रियाक्रम ना किया तो वो मसान बन जाते हैं। काला जादू और तंत्र विद्या करने वाले उनको अपना काम करने के लिए, साधनाओं के लिए आज भी इस्तेमाल करते हैं साहब। क्यों? ये कैसी धक्केनुसी बातें कर रहे हो बाला? मैं सच कह रहा हूं साहब, अगर जिस रात आपका भाई गायब हुआ, अगर वो सच में स्कूल के उस पीछे बने कमरे में गए थे तो उसका एक ही मतलब हो सकता है। साहब मेरी मानो तो आप यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। मसान एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ते। आपके भाई शायद अब लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन आप तो जिंदा हो साहब, अपने बारे में सोचो। विद्यालय के उस कमरे में ऐसा क्या है बाला? क्या है उस कमरे में? मुझे पूरी कहानी तो नहीं पता साहब, लेकिन सदियों पहले आज जहाँ आज ये विद्यालय खड़ा है वहाँ पर एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। बड़े बूढ़ों से सुना है कि वहाँ का हेडमास्टर तांत्रिक प्रथाओं में लिप्त था और इन मसानों को बनाने में भी उसका ही हाथ था। मसान किसी के सगे नहीं होते सब, इसीलिए एक दिन अपने बनाने वालों को ही खा गए। आज जहाँ पर वो स्टोर रूम है ना, वहाँ पर कभी उस हेडमास्टर का कमरा हुआ करता था। नए विद्यालय के बनते वक्त उस पुराने कमरे को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई,
पर कोई तोड़ नहीं पाया। सदियों से उन मसानों का घर है वो सब। ये क्या क्या है मसान मसान? भैया भैया दरवाजा खोलो, मैं हूं राजू। राजू? हेमंत चारपाई से उठा और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा, लेकिन बाला ने उसको बीच में रोक दिया। साहब दरवाजा मत खोलना। मेरा भाई बाहर खड़ा है बाला, तुम हटो। भैया मैं घर गया था, फिर किसी ने बताया आप यहां हो, दरवाजा खोलो भैया। हेमंत ने बाला को एक धक्का दिया और दरवाजे के पास जाने लगा। सर जी जरा सोचो, जब मैं आपको यहां लेकर आया था तब क्या कोई और था वहां पर? जब आपने या मैंने किसी को बताया ही नहीं तो आपके भाई को कैसे पता चला कि आप यहां हो? हेमंत को भी यह बात अजीब लगी, राजू को कैसे पता चला? लकड़ी के बने उस दरवाजे में एक छोटा सा छेद था जिसमें से हेमंत ने बाहर झांका, लेकिन उसको दिखी तो सिर्फ मुर्दा काली आंखें। कोई पहले से ही वहां आंखें गड़ाए बैठे अंदर झांक रहा था। हेमंत मानो सुन सा पड़ गया हो। अगर बाला सच कह रहा था और बाहर राजू नहीं था तो क्या सच में मसाने? साहब मेरा शक सही निकला, आपके परिवार से चिपक गए, आपको ढूंढते हुए आए। लेकिन फिक्र मत करो, आप यहां फिलहाल इस घर के अंदर सुरक्षित हो, पर अब आपका यहां इस गांव में रुकना ठीक नहीं। आप कल सुबह होते यहां से निकल जाओ साहब, यहां से निकल जाओ। क्या क्या तुम मुझे एक बार उस कमरे में लेकर जा सकते हो? नहीं नहीं साहब, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप समझते क्यों नहीं, वहां गया तो सर मेरे परिवार से भी चिपक जाएंगे। मेरी मानो साहब, आप कल सुबह यहां से निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, बस लौट कर मत आना। उस रात दरवाजे पर दस्तक होती रही और पूरी रात हेमंत और बाला चारपाई पर बैठे डर डर कर दरवाजे को देखते रहे। कभी राजू, कभी सरपंच चाचा, तो कभी फैक्ट्री का वो मजदूर, सब दस्तक देते हुए अंदर आना चाह रहे थे। भैया दरवाजा खोलो, मैं हूं राजू। बेटा हेमंत अंदर हो क्या? राजू ने भेजा है, चलो घर चलें। हेमंत भैया, राजू भैया का पता चल गया है, आप चलिए मेरे साथ। भूत प्रेत में ना मानने वाले हेमंत के पास उन दस्तकों का कोई जवाब नहीं था। मसान होते हैं या नहीं ये तो नहीं जानता था वो, लेकिन उसे इतना मालूम था कि बाहर जो कोई भी था बस इतना चाहता था कि वो दरवाजा खोल। सुबह की पहली किरण के साथ ही दरवाजे पर आने वाली दस्तक बंद हो गई। फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है सब, लगता है वो चले गए। आप बैठिए, मैं देखता हूं। बाला ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान थे। ये देखिए साहब। हेमंत ने जब उन पैरों के निशानों को देखा तो मानो पहली बार जिंदगी में उसे भय क्या होता है इस बात का एहसास हुआ। भूत प्रेतों में ना मानने वाले किसी इंसान का सामना जब किसी ऐसी अनजान शक्ति से हो जाए जो उसके सोच के भी परे हो, तो उसका जीवन को देखने का तरीका एकाएक बदल सा जाता है। चलो साहब, मैं आपका सामान बांधने में मदद करता हूं, जितना जल्दी हो सके आप यहां से निकल जाओ। पर जाऊंगा कहां? कहीं भी साहब, बस यहां से दूर, किसी ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु एक समान हो। कोई तो तरीका होगा इन मसानों को शांत करने का? अगर होता तो हम सालों से इस दहशत में क्यों जीते साहब? मसान एक बार किसी के भाग्य से चिपक जाए तो कभी पीछा नहीं छोड़ते। मतलब? उस दिन जब आपके छोटे भाई अनजाने में रात को विद्यालय में गए तभी ये मसानों से चिपक गए। ये तब तक नहीं रुकते जब तक उस परिवार का आखिरी सदस्य जिंदा है।
अब आपको इसी सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा सब। आप जहां भी जाओगे वो आपके पीछे आएंगे। यहां सदियों से ऐसा ही होता आया है सब। खेल खेल में परिवार के परिवार खा गए ये। सूरज के आखिरी किरण के साथ जो खेल शुरू होता है वो उसकी पहली किरण के साथ ही जाके रुकता है। इसीलिए कह रहा हूं सब, यहां से चले जाओ। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे जिंदगी भर भागते रहना होगा? बदकिस्मती से यही सच है साहब। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पहुंच पाए जहां जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क समाप्त हो जाए तो शायद आपको फिर वहां से कहीं और भागना ना पड़े। हेमंत को लेकर बाला उसके घर पहुंचा और चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए थोड़े बहुत कपड़े लत्ते बांधकर अपनी साइकिल के पीछे बिठाकर वहां से निकल गया। राजू अब इस दुनिया में नहीं था। कल रात के हादसे के बाद इस बात को लेकर हेमंत के मन में कोई शक नहीं था। दुख था तो बस इतना कि अपने भाई का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया था वो। लो साहब, हम बस अड्डे पहुंच गए। हमारा साथ बस यहीं तक का था। अब इसके आगे का सफर आपको खुद ही तय करना होगा। बाला की आंखों में आंसू थे। उनमें झलकती बेबसी को हेमंत साफ महसूस कर सकता था। कल रात तुम नहीं होते तो मैं यहां नहीं होता, और ना ही मुझे कभी मालूम पड़ता कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ होगा। हेमंत ने बाला को सीने से लगाया। साहब, काश राजू भी उस कमरे में ना गए होते, पर भाग्य से भला आज तक कौन भाग पाया। हम सब गांव वाले जिंदा है क्योंकि हम में से कोई विद्यालय के उस कमरे के अंदर नहीं जाता और ना ही रात को घर से निकलता है। गलती मेरी ही है सब। मुझे शायद पहले ही दिन आपको आगाह कर देना चाहिए। चलता हो बाला। उस दिन का निकला हेमंत कई सालों तक यहां वहां भटकता रहा। दिन में कहीं भी रहे, रात को उस शहर या गांव को छोड़कर फिर से किसी और मंजिल की तरफ निकलना पड़ता था। लेकिन वो जहां भी जाता था मसान उसका पीछा करते थे। कई सालों तक किसी बंजारे की जिंदगी जीते हेमंत को कभी तो थकना था, और दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहां जीवन और मृत्यु एक समान है। आओ बेटा, अंदर आओ। हेमंत ने अपने चप्पल उतारे और मंदिर में दाखिल हो गया। बीते कुछ सालों में उसकी उम्र मानो 30 साल बढ़ गई। लंबे बाल, आधे चेहरे को ढकती हुई गले तक आती लंबी सी दाढ़ी, आंखों का कालापन बताता था कि कई सालों से सोया नहीं था। अपने भाग्य से भागने की कीमत तो सबको चुकानी पड़ती है। घबराओ मत, वो यहां अंदर नहीं आएंगे। यहां जीवन और मृत्यु एक समान है। पंडित जी ने हेमंत को अपने पास बैठने को कहा। हेमंत वही मंदिर की जमीन पर बैठ गया और पंडित जी को जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। उस जोड़े को देख रहे हो? अपने बच्चे का नामकरण और मुंडन की विधि करने यहाँ आए हैं मंदिर में। और मंदिर के नीचे वहां घाट से उठते हुए धुएं को देख रहे हो? अभी अभी किसी की मृत्यु हुई, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जीवन और मृत्यु का ऐसा समागम सिर्फ यहाँ मणिकर्णिका के घाट पर ही संभव है। काशी के स्थल पर जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ चलते हैं, यहां उनमें कोई अंतर नहीं। यह सुनकर हेमंत रो पड़ा। सालों से भागते पैरों में और ताकत नहीं बची थी कहीं और भागने की। मसानों ने तो उसका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन वो आज भी मणिकर्णिका के उसी घाट पर बने उस मंदिर में सेवा करके अपनी बची कुची जिंदगी जी रहा है। हर रात मंदिरों की घंटियों के बीच वो किलकारियां उसको साफ सुनाई देती हैं, और शायद यही उसका भाग्य है। कम से कम जीवन मृत्यु के इस खेल में गांव के उस विद्यालय को
उन मसानों से छुटकारा मिल गया था, भले ही कुछ वक्त के लिए ही सही, क्योंकि जब तक हेमंत का शरीर मणिकर्णिका की हवा और मिट्टी में लीन नहीं हो जाता, वो उसको छोड़कर कहीं और नहीं जाने वाले थे, और न हेमंत उस जगह को छोड़ कहीं और। कभी आप बनारस जाओ तो हेमंत से जरूर मिलना, मुझे यकीन है उसको अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइस मेरे लास्ट रिक्वेस्ट को सुनने के लिए। आप में से कई लोगों ने जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिससे कि मेरा चैनल अब 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइस। बट अभी भी मेरा 1000 सब्सक्राइबर बेस पूरा नहीं हुआ है, तो आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानियाँ ला सकूँ आगे भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड What else can I say? Thank you guys. You guys are rock stars. मिलते हैं अगली कहानी पर।